कि पेंटिंग्स का एक छोटा सा ही कंपोनेंट है जो इसमें स्मार्ट सिटी में कई जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें अलग अलग एरियाज़ के रहते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें एक सिटी ब्यूटिफिकेशन का एक छोटा सा कंपोनेंट है। उसके कंपोनेंट में कहीं कहीं पे जो है वॉल पेंटिंग्स वगैरह या फ्लाईओवर्स का ब्यूटिफिकेशन ये उसमें किया जा रहा है। तो बेसिक पर्पज़ यही होता है कि कहीं पब्लिक स्पेस है तो इस आप कोई वॉल है इसको एस्थेटिकली ब्यूटिफाई किया जाए, साथ में यहाँ जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर्स होते हैं, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, मौका दिया जाए उन पे काम करने का, अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को दिखाने का। सो दिस इज़ डन इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़, सभी सिटीज़ में इसी तरह से, इसी प्रकार से एम ए रोड के अराउंड जो है वॉल्स पे बेसिक थोड़ा सा पेंट वर्क किया जा रहा है। अभी हम यहाँ पे वॉल म्यूरल्स जो कर रहे हैं, जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर हम काम कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी के अंदर ये एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे म्यूरल आर्ट कर रहे हैं। तो इस म्यूरल आर्ट करने का मकसद ही यही है कि यहाँ का टूरिज्म बढ़ जाए, यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ जाए, और ख़ासकर जो यहाँ के लोकल्स लोग हैं तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगे। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, जब दीवारें गंदे होते हैं तो उनके साथ टच करना भी अच्छा नहीं लगता है। अभी हमने जैसे देखा, अभी हम लोग काम कर ही रहे हैं, बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं या यहाँ के लोकल्स जो है अभी से ही इसके साथ बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुश हो रहे हैं लोग इस दीवारों को देखकर। ये गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा सेटअप है सिटी के अंदर, ताकि जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए अट्रैक्शन का ये एक ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ये देखते हैं कि कश्मीर का हुनर, जो आर्टिस्ट्स है उनमें कितना हुनर है। तो इस वजह से हमारा जो हुनर है कश्मीरी आर्टिस्टों का या जो आने वाली पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है ताकि हम वर्ल्ड वाइड अपना हुनर जो आर्ट है ये इसको हम प्रमोट करेंगे। गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा सेटअप लिया है।